और मैं थोड़ा सा 18 साल पहले जब उत्साह 2000 के बाद आपको फिर सरकार के पास मिलती है जब मैं गया उसे ग्राउंड पर करके देखा मेरे प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी सब सोचता की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आया कोशिश करूँ बहुत ध्यान से सुनो भाई ये आपने जो बहुत अच्छी बात बताया सब 2000 में यहाँ पर हमारी कोचिंग कोचिंग करने आया और मैंने बात की मैंने तैयारी की और रिटर्न लिया और मेरा रिटर्न पास हो गया लेकिन मेरे पास क्या था कि मेरी फिजिकल मेरा प्रूफ नहीं था कि कैसे मुझे फिजिकल की तैयारी करना है और उस टाइम में 100 नंबर का फिजिकल होता था 20 नंबर का 100 मीटर थी 1500 मीटर हाई जंप 5 फिट का हाई जंप था लॉन्ग जंप था और दोहरा फेंक थी। मैं गया मैंने तैयारी वाली की और आया यहीं पर मेरा इंटरव्यू था फिजिकल दिया मुझे जो है 18 नंबर मिला अंतिम मेरा सिलेक्शन जो है 6 नंबर से रह गया उमाकांत सर के मैच में जो है मेरी 6 नंबर सिलेक्शन रह गया। जब सिलेक्शन रह गया मुझे थोड़ी सी निराशा हुई लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं यार अपन ने जो है पहली बार तैयारी की और बहुत कम समय में की थी और जब मेरे इतने नंबर आ गए तो मैं अपनी बात करूँगा तो अच्छा आया। जब मूल्यांकन किया तो मेरा क्या था फिजिकल जो है कमज़ोर था फिर इसके बाद फिर मैं आया यहाँ पर मैंने इतना की तैयारी की लेकिन 3 महीने बाद ही जो है ये परीक्षा में फिर से निकली। ये थोड़ा ध्यान दें पूछा है पिछड़े थोड़ा ध्यान दें मैं आपको अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। मैं यहाँ से गाँव गया फिजिकल की तैयारी करने के लिए एक 2 एकड़ का ग्राउंड था मेरा निजी स्कूल का उसका एक ग्राउंड 250 मीटर का था और आज वो 100 मीटर था उसे मैंने गड्ढा भरवाया और अपने गांव की नदी से जो उसमें बालू डाला 2 बल्ली लगाया और मच्छर रानी का लाड जो है उसको लगाया चिंता के लिए ठीक है। मेरा कोई गुरु नहीं था कोई भी गुरु नहीं था मुझे बताने वाला और मैंने खुद ही तैयारी करी हाई जंप की लॉन्ग जंप की और फिर उसके बाद मैंने टाइमिंग कवर करी फिर मेरा टेस्ट जो था 25 मार्च को बिलासपुर में था। जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने 100 नंबर दौड़ा और लॉन्ग जंप मेरा पूरा अच्छा रहा हाई जंप 5 पर गया और लास्ट में मेरे जो है 100 में 83 नंबर आए और मैं मेरिट पर जो है 5वें टॉपर हुआ। तो इसलिए आप भी क्या करो कि 100% दिनों दिनों जाओ आप इंदौर में पढ़ने के लिए बहुत सारे जाते हैं मेरे साथ ही पढ़ते थे तो यदि आप 100% देंगे तो आप 100% सफलता मिल जाएगी। और मैं ओपी जायसवाल जी से गुरु का वास्तव में हृदय से स्वागत करता हूँ यदि आपको ऐसा गुरु मिल गया है तो आप हमें उसका मार्गदर्शन दे रहे हैं हमारे टाइम में ऐसे गुरु हमको नहीं मिल पाए ठीक है धन्यवाद।